पहले तो स्वागत है आपका सिनी स्पीक्स में। जैसे कि दृश्य में हम देख रहे हैं काकू जो है वो पुष्पा जी से कुछ बातें कर रही है, कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो दर्शकों को बता सकते हैं वो क्या चल रहा है एक सीन में आज के? पुष्पा इम्पॉसिबल की जो तकलीफें हैं, आप तो देखते हैं ये सीरियल ऑफकोर्स, तकलीफ काकू को नहीं सही जाती, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, थोड़ी समझाती भी रहती है। तकलीफें आगे की आपको मैं बता दूंगी तो आपको ही मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अभी जिस माहौल से वो गुजर रही है, जो तकलीफ़ों से अपने बच्चों को समझाने में डर में जो उसकी ज़िंदगी जा रही है, उसके बावजूद भी हमेशा उसको काकू का सपोर्ट होता है, वैसे एक सपोर्ट देने के लिए मैं उसको जागरूक करती रहती हूँ, सपोर्ट देते देते उसे समझाती रहती हूँ कि जो होता है वो होने दे, देख क्या होने वाला है, अपने आप ही सब परफेक्ट हो जाएगा। यही कैरेक्टर है काकू की। ऑफकोर्स उसके आइडियाज़, उसकी वैल्यूज़, लाइफ की स्टाइल बहुत अलग है, इसलिए वो दो शब्द अच्छी तरह से पुष्पा को बोल सकती है, किसी को भी बोल सकती है। चाली के लोगों से उसे प्यार है, इसलिए उसे वो अपने परिवार जैसा ही उनको समझती है, यानी उनकी तकलीफ है, खुद की तकलीफ ऐसे उसे लगता है, यानी उससे जितना बन पड़ता है उनको शब्दों से वो सपोर्ट देती है। थैंक यू। थैंक यू।